Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am your math teacher here and I hope you all will be fine. And I hope आपने जो हमने last class में types of numbers और numbers के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको कहा था कि आपने ये definitions लिखनी अपनी neat notebook पे, तो I hope आपने लिख ली होंगी. Now take out your books of math and open your page number 21. Right? On page number 21 we have फोर ऑपरेशंस ऑफ होल नंबर्स. राइट, हमारे पास कितने ऑपरेशंस होते हैं? फोर ऑपरेशंस होते हैं. और वो कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन. कौन कौन से फोर ऑपरेशंस होते हैं? एडिशन, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन. राइट, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस दीज फोर ऑपरेशन एंड सम प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद दीज ऑपरेशन. हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, इन ऑपरेशन को भी पढ़ेंगे और इन ऑपरेशन से रिलेटेड जितनी भी आपके प्रॉपर्टीज हैं उनको भी. लेट्स स्टार्ट विद द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? द वर्ड कम्यूटेटिव इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कम्यूट. हाँ जी, कम्यूटेटिव वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है किस वर्ड से? कम्यूट से. विच मीन्स टू ट्रैवल, जिसका क्या मतलब होता है? ट्रैवल करें. ट्रैवल मतलब सफर करना. नंबर्स कैन ट्रैवल विदाउट एनी चेंज इन द रिजल्ट. नंबर भी क्या कर सकते हैं? ट्रैवल कर सकते हैं लेकिन उनके अंदर कोई चेंज ना आए. अब कम्यूटेटिव एडिशन क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू और मोर होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर गिव्स द सेम रिजल्ट. क्या कहते हैं? एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन दो नंबर की या दो से ज्यादा नंबर की क्या होती है? किसी भी ऑर्डर में आपका रिजल्ट सेम देती है. सिंपली पुट इट मीन्स नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर एंड यू विल गेट द सेम नंबर. किसी भी ऑर्डर में आप नंबर लिखें, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में कम्यूटेटिव एडिशन का बता देती हूँ. इसमें यह होता है कि आप ऑर्डर चेंज करें. आप लेट्स सपोज आप 6+3 लिखें या 3+6 लिखें तो आपका जो रिजल्ट होता है वो क्या आता है? सेम आता है. राइट, आप ऑर्डर कोई भी लिखें लेकिन रिजल्ट सेम आता है, लेकिन नंबर सेम होने चाहिए. लेट्स सपोज यहाँ पे अगर 6+3 है, इसका ऑर्डर हम 3+6 करें तो आंसर 9 आया. अब यहाँ पे अगर 6+3 है, आप नेक्स्ट में 4+6 करेंगे तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा. ऑर्डर सेम रखना चाहिए. राइट, सेम होना चाहिए. 6+3 है तो 3+6 हो सकता है. राइट, इसी तरह आप कह रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. अब मल्टीप्लीकेशन में भी यही होता है कि आप ऑर्डर चेंज कर दें नंबर्स का तो आपका आंसर सेम रहता है. लेट्स सपोज 4 × 2 इज 8, 2 × 4 इज 8, 4 × 5 इज 20, 5 × 4 इज 20, 3 × 2 इज 6, 2 × 3 इज 6. इट मीन्स कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन में अगर आप ऑर्डर्स चेंज कर दें नंबर्स के तो आपका आंसर सेम रहता है. दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन. नाउ विल टॉक अबाउट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन. अब यहाँ देखिए आप 3 − 2 इज इक्वल टू 1 एंड 2 − 3 इज इक्वल टू −1. अब 1 और −1 में फर्क होता है, ये पॉजिटिव इंटीजर होता है या नेगेटिव इंटीजर होता है. राइट, अगर आपके किसी वैल्यू के साथ प्लस है तो उसकी वैल्यू डिफरेंट है, अगर किसी के साथ माइनस है तो उसकी वैल्यू डिफरेंट है. तो इट मीन्स ये दोनों सेम नहीं है, रिजल्ट सेम नहीं आया. अब एडिशन को देखें, 10 / 2 इज 5, 5 / 10 इज 1/5, 10 / 2 इज 5, 10 / 2 इज नॉट इक्वल टू 1/5. 5 इज नॉट द सेम एज 1/5. सिंपल बात है, आपने ये चीज याद रखनी है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपकी सिर्फ किसके लिए होती है? एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के ऊपर होती है अप्लाई. अगर किसी क्वेश्चन में एडिशन है तो आप उसको इजीली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से प्रूव कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लीकेशन है तो भी आप उसको इजीली कर सकते हैं. लेकिन जो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो ना ही आपकी डिविजन के लिए एप्लीकेबल है ना ही आपकी सब्ट्रैक्शन के लिए. राइट, सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वी कैन कंक्लूड दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट वैलिड फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन. राइट, नाउ कम टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन. द वर्ड एसोसिएट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड एसोसिएटिव इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड एसोसिएट दैट मीन्स अ पार्टनर और अ ग्रुप. अब जो आपका वर्ड एसोसिएटिव है वो एक वर्ड एसोसिएट से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है पार्टनर या ग्रुप. राइट, According to this property, in addition and multiplication, you can add or multiply regardless of how the numbers are grouped. अब क्या करते हैं कि आप questions में group बना देते हैं, कैसे? By putting the
ब्रैकेट्स, आप ब्रैकेट्स पुट करके दो नंबर्स के ग्रुप बना देते हैं, पहले आप उन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं राइट, और फिर आपके ब्रैकेट के बाहर जो कोई भी वैल्यू होती है आप उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करते हैं राइट। यू कैन ऐड और मल्टीप्लाई रिगार्डलेस ऑफ हाउ द नंबर्स आर ग्रुप, ठीक है, किस तरह नंबर ग्रुप हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप ऐड या मल्टीप्लाई करते हो। अब देखो फर्स्ट केस में 2+5 जो है हम इनको पहले ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें हम 10 ऐड कर देंगे, ऐसा ही है। देखें 2+5 25, 10 35, फिर 20 को अलग कर दिया, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया तो 520 को इसी तरह लिखा, 5+10 15 और इनको इकट्ठा लिखा तो ये क्या आ गया 35। इसी तरह हम मल्टीप्लीकेशन में देखें, पहले 5 × 3 × 4 फिर इसी तरह लिखा हुआ है 5 × 3 15, 4 इसी तरह, फिर 5 अकेला, 3 × 4 = 12, आंसर इज सेम। लाइक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वैलिड ओनली फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन राइट, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के साथ ही ये वैलिड होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी। ये छोटी छोटी चीजें आपने याद रखनी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के साथ वैलिड है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के साथ वैलिड होती है। Now, distributive property of multiplication over addition and subtraction. The distributive property contains that when parenthesis is given in a question with a number outside, it can be solved in two ways. Let's discuss it with an example. कह रहे हैं कि आपकी पैरेंथीसिस, ये जो आपकी ब्रैकेट्स हैं राउंड ब्रैकेट्स, इनको आप पैरेंथीसिस कहते हो। अगर आपको ये किसी भी क्वेश्चन में दिया जाए आप उसको दो तरीकों से कर सकते हो, वो क्या है, अब आप इस 3 को अंदर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो और इसी 3 को अंदर 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, जिस तरह इन्होंने लिखा है 3 × 2 3 × 5 राइट, और ये आंसर फिर क्या आ जाता है 3 × 2 = 6 3 × 5 = 15 और इनका आंसर क्या आ गया 21। अब ये क्या है 2+5 = 7, इनको पहले प्लस कर लिया 7 और 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और वो सिंपल आपका क्या आ गया 21। दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओवर का मतलब क्या है, ये ब्रैकेट्स हैं, ये ओवर है ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, यहाँ पे माइनस होता तो हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन राइट। आज हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ वी हैव टू आइडेंटिटीज, एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है और एक मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, जीरो, जीरो इज एन एडिटिव आइडेंटिटी, एडिंग अ जीरो इन एनी नंबर लीव्स इट अनचेंज। ये याद रखना है कि जीरो आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वन राइट। जीरो आप किसी भी नंबर पे ऐड करो तो वो क्या होता है, अनचेंज होता है, उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी नंबर वन इज अ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, इट मीन्स दैट मल्टीप्लाइंग एनी नंबर बाय वन लीव्स इट अनचेंज। इसी तरह मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी वन है, क्यों, क्योंकि आप इसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो उसको वो अनचेंज, मतलब उस पर उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता राइट। इसी तरह 32 × 1 = 32, 1 × 75 = 75। सिंपल आपने याद रखना है कि एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है, जीरो होती है, और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है, वन होती है राइट। अब आपने घर पे इन प्रॉपर्टीज को और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी, इनको क्या करना है, रिवाइज करना है राइट, इनको आपने पढ़ना है और कोशिश करनी है जो इनकी एग्जाम्पल्स आपको दी है वो आप प्रैक्टिस करें ऑन योर रफ रजिस्टर्स राइट। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।